सन हमारे सोलर सिस्टम का अकेला स्टार है और यह पूरे सोलर सिस्टम के मास का लगभग 99.86% फॉर्म करता है। और इसी मास की वजह से हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले सभी प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक स्टेबल ऑर्बिट में। लेकिन क्या होगा अगर इसी मोमेंट पे सन हमारे सोलर सिस्टम से अचानक ही गायब हो जाए तो? इसका आखिर हमारी धरती पर क्या असर पड़ेगा? सन से आने वाली लाइट को हमारी धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट्स 20 सेकंड्स लगते हैं। तो अगर इसी मोमेंट सन हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो जाए तो हमें लगभग 8.5 मिनट्स लगेंगे इस बात को जानने के लिए। सन के गायब होने के कुछ 8.5 मिनट्स बाद उससे आ रही आखिरी लाइट हमारी धरती तक पहुंचेगी और इसके बाद धरती पर हर जगह अंधेरा हो जाएगा। वह जगह जहां पर दिन था वहां पर रात हो जाएगी, क्योंकि सूरज से आने वाली रोशनी अब उन जगहों पर नहीं पहुंचेगी। और वहीं वह जगह जहां पर ऑलरेडी रात थी उन जगहों पर हमें मून दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि मून सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके ही हमें दिखाई देता है। सन के गायब होने के साथ ही वह ग्रेविटेशनल पुल भी गायब हो जाएगी जो कि धरती को सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रखती है। सन के गायब होने की वजह से हमारी पूरी धरती स्पेस में लगभग 29 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगी। और अगर हमारी धरती किसी एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स एक्सेट्रा से कोलाइड करके खत्म नहीं हो जाती है तो हमें काफी लंबा टाइम लगेगा किसी दूसरे स्टार सिस्टम तक पहुंचने के लिए। इवन दो धरती पर हर जगह अंधेरा हो जाएगा, लेकिन हमारे पावर प्लांट्स काम करते रहेंगे सोलर पावर प्लांट्स को छोड़ के। लेकिन सन से आने वाली एनर्जी के बिना हमारी धरती पर टेम्परेचर तुरंत ही नीचे गिरने लगेंगे और एक हफ्ते के अंदर टेम्परेचर्स लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएंगे। धरती पर ज्यादातर लाइफ का सोर्स सन से आने वाली एनर्जी ही है। सन से आने वाली एनर्जी को कैप्चर करके प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं और इन्हीं प्लांट्स को खाकर हर्बीवोर्स जिंदा रहते हैं और इन हर्बीवोर्स को कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं। सन से आने वाली लाइट और एनर्जी के बिना छोटे प्लांट्स कुछ ही दिनों में मर जाएंगे, लेकिन बड़े प्लांट्स और ट्रीज एक्सेट्रा हो सकता है कुछ डेकेड्स तक जिंदा रहें उनके स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से। लेकिन छोटे प्लांट्स के खत्म होने की वजह से धीरे धीरे हर्बीवोर्स भी बिना खाने की वजह से मरने लगेंगे। ऐसे एनिमल्स जो कि मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं वो थोड़े और लंबे टाइम तक जिंदा रह पाएंगे, लेकिन धरती पर लैंड पर रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। ओशंस और सीज में बर्फ की एक बहुत बड़ी लेयर जम जाएगी, लेकिन इस बर्फ की मोटी लेयर के नीचे ओशंस और सीज लिक्विड स्टेट में ही रहेंगे, क्योंकि ओशंस और सीज के फ्लोर पे मौजूद जियोथर्मल वेंट से एनर्जी आती रहेगी जिसकी वजह से ओशंस और सीज लिक्विड स्टेट में बने रहेंगे। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इन जियोथर्मल वेंट्स के पास रहते हैं और इन्हीं से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, उन्हें तो यह पता भी नहीं चलेगा कि हमारे सोलर सिस्टम से सन गायब हो गया है। उनके लिए लाइफ एज यूजुअल चलती रहेगी और यही वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह पाएंगे। सन के गायब होने के कुछ एक हफ्ते बाद धरती पर टेम्परेचर्स -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएंगे और कुछ एक साल के बाद -250 डिग्री सेल्सियस तक। धरती पर खाने की हर जगह शॉर्टेज हो जाएगी और ह्यूमन पॉपुलेशन भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन इस कैटास्ट्रोफी में भी कुछ ह्यूमंस बच जाएंगे और वो हो सकता है कि कुछ नई टेक्निक्स डेवलप कर लें खाने को प्रोड्यूस करने के लिए। हो सकता है कि बचे हुए इंसान ओशन और सीज के फ्लोर पे चले जाएं और जियोथर्मल वेंट से मिलने वाली एनर्जी को यूज करके पावर प्लांट्स को बनाए। ऐसे पावर प्लांट से वो काफी लंबे टाइम तक एनर्जी को ले पाएंगे और ह्यूमंस काफी लंबे टाइम तक भी सरवाइव कर पाएंगे। हो सकता है कि इस तरीके से हम इंसान इतने लंबे टाइम तक जिंदा रह पाए कि हमारी धरती किसी और स्टार सिस्टम के नजदीक पहुंच जाए और वहां पर उस स्टार से आने वाली एनर्जी से हम ह्यूमंस फिर से इस धरती पर थ्राइव कर पाए। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.